हमीरपुर जिला में गुटों में बढ़ चुकी भाजपा के द्वारा मुख्यमंत्री को डराया जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला के दौरा करने से परहेज कर रहे हैं। हमीरपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने पत्रकार वार्ता के दौरान जिला में विकास कार्यों में अनदेखी पर प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे न होने के चलते विकास को विराम लग चुका है, जिसका प्रभाव जिला हमीरपुर में हो रहा है। वहीं उन्होंने शराब कांड को लेकर सरकार को दोषी ठहराया और इसकी न्यायिक जांच करवाने की मांग भी की। राजेंद्र झा ने बताया कि जल्द कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर हमीरपुर जिला का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जिला में कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी हासिल करेंगे। हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र झा ने प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमीरपुर में बीजेपी दो या तीन गुटों में बढ़ चुकी है, जिस कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला के दौरे से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के बड़सर में सीएम जयराम ठाकुर ने 4.25 साल में कोई भी दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के समय जो कार्य स्वीकृत हुए थे वो अब बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनका लोकार्पण करने में जयराम हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि हमीरपुर में बीजेपी गुटों में बढ़ चुकी है। नहीं हो पाई है, उनको एक ग्रुप भी डराता है, दूसरा ग्रुप भी डराता है, तो इस वजह से वो कान पकड़ते हैं, मैंने जाना ही नहीं। ये कारण रहा। हमीरपुर में तो आपको पता ही है कितने मेन जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो दो ही हैं, बाकी छोटे मोटे जिस नहीं करता हूँ, जो वर्टिकल ग्रुप है वो दो है। तो इस वजह से मुख्यमंत्री अवॉइड करते हैं यहाँ। हालांकि यहाँ आजकल जैसे विंटर सेशन होता है, इसमें मुख्यमंत्री जो ये लोअर हिमाचल है इसका दौरा करते हैं, सभी मुख्यमंत्री करते हैं, इन्होंने कोई नहीं रखा। यहाँ आकर भी गया पर प्रदेश में हुए शराब कांड पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और अब तक सरकार ने जांच को निष्पक्षता से करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर पहले ही न्यायिक जांच की मांग भी की है। सारे एपिसोड के पर अब अगर ये बढ़ता ही जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा इनकी सरकार के पाले में, सरकार ने बार बार ये एश्योरेंस दे दी है, सरकार ये कहती है कि हमने कोई एक्शन नहीं लेना है या कुछ नहीं करना, सरकार इसके ऊपर एडमेंट है, सरकार भी काफ़ी गंभीर है कि हमने ये जो मामला है इसका, जहरीली शराब का, इसको हमने बड़ी गंभीरता से और इसको अंतिम उंच तक पहुँचा दें। तो सरकार जब इससे पीछे हटेगी तब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको क्रिएट करें। सरकार अभी तक तो ये जांच के इसमें इशू है और जांच में रोजाना कोई ना कोई नए लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि सरकार उसके लिए सीरियस है। कांग्रेस ने पहले ही कई बार कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी, कांग्रेस ने जुडिशियल इंक्वायरी मांगी है, हमारे अध्यक्ष ने कई बार बयान दिया है जुडिशियल इंक्वायरी। राजेंद्र झा ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर हमीरपुर जिला के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का भी प्रदेश अध्यक्ष फीडबैक लेंगे। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सदस्यता इंचार्ज दीपा दास मुंशी और समीना रैना भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी, साथ ही राज्य समन्वयक चेतराम ठाकुर भी बैठक में उपस्थित रहेंगे और सदस्यता अभियान की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमीरपुर जिला में पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मेंबरशिप को बढ़ावा दे रही है। हर बूथ पर मिनिमम 25 मेंबर्स की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो कि हर बूथ के लिए आवश्यक है। आपको ये प्रेस वार्ता में भी यही कहा मैंने कि मुख्यमंत्री जो यहाँ पर गुटबाजी है और यहाँ पर जो गुट खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री एक तो भीरू किस्म के आदमी हैं और इन गुटों की वजह से वो अपने आप को उससे दूर रखना चाहते हैं और इसमें पढ़ना नहीं चाहते, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो दौरे भी नहीं कर रहे हैं। इनका ऐसे है कि 16 तारीख को लेट पहुंचेंगे यहाँ पर, उनके साथ जो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये मेंबरशिप के लिए, सदस्य अभियान के लिए जो इंचार्ज यहाँ की नियुक्त किए हैं दीपा दास मुंशी, वो और वो समीमा रैना है, एक वो उनकी डिप्टी है, तो ये लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उस दिन, और जो स्टेट के बनाए हैं कोऑर्डिनेटर चेतराम ठाकुर वो भी होंगे। तो इस तरह से ये सारे लोग, एक तो जो मेंबरशिप की जानकारी है इस वक्त तक कितनी हो चुकी है और कितनी आप एंटिसिपेट करते हैं उसके बारे में चर्चा होगी, और दूसरा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा मेंबरशिप को, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करें। इस वक्त हमने जो टारगेट मेंबरशिप को लेकर चले हैं वो है पोलिंग बूथ वाइज 25 मेंबर मिनिमम, और मैक्सिमम मेंबर 100 भी हो जाए 200 भी हो जाए उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि 25 के बजाय अगर हम 50 कर पाए, हर बूथ में मेंबर कर लें, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर वर्ग विशेष के उसमें लोगों को शामिल किया जाए, और ख़ास करके जो महिलाएं और युवा साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए।